आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष बदौरिया। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। भागलपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिसको देखकर आसपास लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं कोतवाली पुलिस के द्वारा तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दे दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ियों पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं बिजली विभाग ने आग लगने की घटना के बाद इलाके की बिजली काट दी। उसका हम लोग ओवरवाइल्डिंग कराएंगे, जो तार गलत सही है उसको हटा के हम लोग सही तार देंगे। हमको लगता है कि उसमें कोई भी कार्य बिजली डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं हो सका, जिसके कारण जो है आज ये स्थितियाँ होती है। आज समझिए, महादेव चित्र मंदिर के बगल में इतना रिहायशी इलाका है, इतनी दुकानियां हैं, दुकानें हैं, यहाँ पे आप कॉलोनी है, उसमें आग लगता है और उस समय भी कुछ भी पता नहीं चलता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कोतवाली को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फायर ब्रिगेड को कि लोग तुरंत की सूचना में, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक मिस्त्री है उनको कि ये तुरंत की सूचना में आए और इस पर जो है बहुत कम समय में इन्होंने आज जो है इसको बचाया। मैं ये बोलता हूँ कि इन्होंने इस शहर को, इस जगह को जलाने से बचा दिया। जो खबर नालंदा से है, जहाँ बम बनाने के दौरान बम फटने से 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में डीएम, एसपी, एसडीएम, एसडीओ और डीएसपी व सदर अंचल अधिकारी समेत कई सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। धुआं उठा, हम दुकान बंद किए। घायल जख्मी भी है उसमें? घायल ही आदमी, जब धुआं के कारण बढ़िया से हम देख नहीं पाया, इसे भी हम कम जनाते हैं हमारे, ठीक नहीं है। अच्छा, आवाज में कितना दम था? आवाज में तो बहुत चनचनाहट था, बहुत चनचनाहट आवाज में था। तो क्या हो रहा, बम बना रहा था कि फट गया? तो हम बगल में दुकान में बैठे हुए, तो मेरे कहा कि वो खुद जो है स्टिंग पीते पीते भाग गया। कि हम सब्जी काट रहे थे, इसमें आवाज किया। अच्छा, आवाज किया तो हम सोचे कि कोई फायरिंग किया बड़ी तरह या पहाड़ पूरा से, फायरिंग कोई नहीं किया था। फिर थोड़ा देर बाद हम उसे घूर आए तो देखे कि बम फटा, बम फटा। तो बना रहा था कि कुछ और कर रहा था? बम बना रहा था। सीसीटीवी में हल्का धुआं निकला है वाइट, लेकिन अंदर का कोई डैमेज नहीं है और इतना टेम्प्ररी टाइप का बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, फिर भी न छत पे कहीं डैमेज है, न नीचे कोई डैमेज है, न दीवार पे कोई डैमेज है। तो ब्लास्ट का तो हम लोग को नहीं लग रहा है संभावना, लेकिन FSL को बुलाया जा रहा है, फोरेंसिक वाले आएंगे तो वो फाइनली बताएंगे क्या है, लेकिन वैसा कोई लग नहीं रहा है। कोई सर से सत्यापन किया गया, उसके बाद DSP SDO भी सत्यापन किए। हम लोग यहाँ सत्यापन करने आए और जो झोपड़ी है उसको देखा गया, सरफेस पे ऊपर लेफ्ट राइट कहीं कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे कि जले हुए का हम लोग एविडेंस देख पाए, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो प्रथम दृष्टिया किसी प्रकार का संकेत नहीं है कि कोई ब्लास्ट हुआ है। भागलपुर जनसंख्या के हिसाब से भारत के सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल गया है और इस रफ्तार से अपने देश की जनसंख्या बढ़ना कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान में भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वहीं UNFPA के स्टेटिफिकेशंस चीफ रशेल ने कहा कि आने वाले कई सालों तक भारत में युवा की तादाद ज्यादा रहने वाली है। ये सरकार पर निर्भर करता है कि
उसका उपयोग वो कैसे करते हैं। जनता जी के बीच जागरूकता पैदा की जाती थी, अभी ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम दो हमारे 13 चल रहा है, यह तो विश्व गुरु बनाने की भारत को कल्पना करते हैं, ये तो बना नहीं पाए, लेकिन जनसंख्या में जरूर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या हो गया। इसलिए इसके सबसे बड़ा दोषी है आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जनसंख्या कानून की बात हो रही है, क्या कहेंगे उसको। भागलपुर ने पूरे देश भर में बिहार को फिर से गौरवान्वित किया है। दरअसल जिले के नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड को ODF प्लस मॉडल को लेकर राज्य का पहला प्रखंड घोषित किया गया है और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में बेहतर कार्य करने के लिए केंद्र सरकार ने सर्टिफिकेट भी दिया है। यह स्वच्छ बिहार अभियान है, उसके अंतर्गत सभी पंचायतों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो प्लांट बनना है, उसमें ट्रीटमेंट होना है वेस्ट का, उसके लिए कर्मी रखे गए हैं, डोर टू डोर कचरा का सिलेक्शन होगा। तो इस्माइलपुर हमारा पहला प्रखंड बन गया है जहां सभी पंचायतों में ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा दी गई हैं और इसको हम लोगों ने वेरीफाई भी कराया है। SDO नवगछिया खुद गए थे, उन्होंने पंचायतों का भ्रमण किया, प्रतिवेदन भी भेजा है और उसके आधार पर राज्य स्तर पर संभवतः यह पहला प्रखंड है जो पूरा प्रखंड जो है वो सॉलिड लिक्विड PO बना है। एक पंचायत कमला कुंड है जहाँ के वो नारायणपुर लक्ष्मीपुर में, एक जगह नारायणपुर लक्ष्मीपुर, एक जगह पूर्व पश्चिमी भिट्ठा में बसा हुआ है, तो उसको वहीं टैग कर दिया गया और चारों जगह का जो WPO है वह कार्यरत है और बहुत खुशी है कि ये हमारा क्षेत्र ODF प्लस घोषित हुआ है। इससे कितने लाभ होगा इस प्रखंड को, जनता को? देखिए, कचरा प्रबंधन का बहुत बड़ा लाभ होगा। लोग खबर भागलपुर से, जहां भूमाफियाओं के द्वारा ततारपुर थाना क्षेत्र के कीला घाट स्थित जमुनिया नदी में भूमाफियाओं के द्वारा मिट्टी गिराने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और ततारपुर पुलिस और जगदीशपुर प्रखंड के रेवेन्यू ऑफिसर्स ने जमुनिया नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया। वहीं रेवेन्यू ऑफिसर अफसर ने बताया कि मिट्टी से जमुनिया नदी को भरने का काम किया जा रहा था और इसे लेकर छानबीन शुरू की गई और इस कार्य को करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। मैंने क्या देखे सर, यहाँ पर मिट्टी भरा जा रहा, हमने देखा है मिट्टी भरा जा रहा है, क्या कार्रवाई होगी सर? देखेंगे, जो उसमें दोषी रहेगा उस पर FIR करवाया जाएगा। FIR करवाया, किनके आदेश पर? SDO सर ने भेजा था। SDO सर ने भेजा। अपना नाम? सुजीत कुमार नाम है। रेवेन्यू ऑफिसर जगदीशपुर है। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के बीते दिनों अपराधियों के लूट के दौरान गल्ला व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के BJP सांसद अजय निषाद मृतक व्यवसायी के पैतृक आवास बदरा प्रखंड के मोहनपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक व्यवसायी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सुशासन बाबू के सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और साथ ही सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास में लंबे समय से गृह मंत्रालय रहने के बावजूद यहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर रहा है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो इसमें एक्टिव होकर अपराधी को गिरफ्तार करे। बिहार में अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय है और लगातार लंबे समय तक इन्हीं के पास रहा है शुरू से अंत तक में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर उनसे जब नहीं सुधर रहा है तो गृह मंत्रालय किसी दूसरे को दे देना चाहिए, कुछ काम नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर खराब रहने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन का मनोबल गिरा हुआ है, ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जनता यहाँ त्रस्त है, ये अपने में मस्त है, ऐसे करने से नहीं चलेगा। मृतक के परिजन पुलिस के क्रियाकलापों। बिहार थाना क्षेत्र के इलाके के पहाड़ापुरे मोहल्ले में हुए ब्लास्ट के मामले में जाँच करने के लिए FSL की टीम पटना पहुंची। गौरतलब है कि जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा के निर्देशन पर FSL की टीम ने पहाड़पुरा इलाके बुलाई गई, जहां FLS की टीम घटनास्थल का पहुंचकर बारीकियों से मामले की जांच कर रही है। FSL की टीम के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। हम लोग इसमें जो भी मामला है उसको हम लोग गहराई से जांच करा रहे हैं। सर, कितने सदस्य टीम है जैसे पटना चल के आई है? देख रहे हैं आप लोग, टीम के सदस्य हैं, कई लोग हैं, सब साक्ष्य ग्रहण कर रहे हैं।
सर तक क्या कुछ सुराग मिला सर यहाँ? अभी बताना संभव नहीं है, जब तक जांच ना हो। सर कितने सदस्य टीम है सर आप लोग की जो आप यहाँ है? 2 सदस्य है सर। क्या सर जानकारी क्या मिली सर घटना के बारे में? अब जानकारी आपको SDPO साहब बता देंगे। सर छोटा छोटा चीज मिला है, क्या चीज़ है सर? वो जाँच के बाद ही बता सकते हैं। मतलब कई अहम सुराग यहाँ पर पाई गई है? हाँ अभी साक्ष्य मिला है, बाकी जाँच के बाद। क्या फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बताते हैं, क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुस्लिम धर्मावलंबियों का त्योहार ईद पूरे नालंदा जिले में धूमधाम से मनाया गया। वहीं बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी विभिन्न जगहों पर पहुंचकर ईद की बधाइयां दी। यही पूजा का मतलब है, यही इबावत का मतलब है कि आपस में मिलिए, आपस में जुड़िए, प्रेम और भाईचारा को बांटिए। इसी से समाज की तरक्की होती है, इसी से इलाके की तरक्की होती है, इसी से लोगों में आत्मविश्वास पैदा होता है जिसकी समाज में आज ज़रूरत है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंडा क्षेत्र के कमहरिया पंचायत में 10 महीने बीत जाने के बाद भी कचरा प्रबंधन के लिए भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे पंचायत में स्वच्छता भारत अभियान की समस्या उत्पन्न हो गई है। बता दें योजना स्थल पर लगे बोर्ड के अनुसार 4 जून 2022 को भवन निर्माण की शुरुआत होनी थी, जिसकी प्रकलित राशि 7,49,474 रुपये दिखाई दी गई थी, लेकिन अब तक भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। गोलीबारी में घटना में दादा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बहन बाल बाल बच गई। हालांकि बहन को प्राथमिक उपचार कराने के बाद बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही बेना थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। गोली मारला कौन है? अच्छा कौन लोग थे गोली मारने वाले? सोनू मोनू गुंजन आरोप होता हुआ। गोली कई को लगा है? गोली इनको 4 गोली लगा है। है 4 गोली। अच्छा टोटल गोली कितने लोगों को लगा है? 2 लोगों को। वो कौन कौन है? देखो ये नाना हुई है, वो मेरा बहन बहन उनका इलाज चल रहा है बहन का जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार। हम लोग सब करके वहाँ घटनास्थल पर गए, देखो कि गोली लगाई मरा हुआ आदमी खड़ा हुआ था। तो गोली 2 लोग को ना मारा है, एक और महिला को लगी है गोली? महिला की गोली लगी है लेकिन उसको कनपट्टी जिंदगी 70 के पार कर गया। विवाद क्या चला पता? विवाद जमीनी विवाद बताया जा रहा है। कहाँ का ये घटना है? ये ग्राम सिवाय बिना बिना थाना अंतर्गत। क्या नाम है अपने भैया? अबोध कुमार। भागलपुर में नगर निगम के द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत। स्टेशन नगर निगम के द्वारा लगाई गई डस्टबिन में ही कूड़ा फेंके। ये विशेष सफाई अभियान जो हम लोगों का स्टेशन रोड से होते हुए पटेल बाबू रोड तक होते हुए लोहा पट्टी पर जाकर ख़त्म होगा, इसमें हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, सभी पार्षदगण और जो समाज की यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा ना फेंकें, सफाई की जिम्मेदारी लें, अपने जो आसपास का जो कचरा है, अपने जो आसपास का वातावरण है उसको साफ बनाए, स्वच्छ रखें। यहाँ पर जुटे हुए हैं हमारे साथ डिप्टी मेयर साहब हैं, हमारे नगर निगम के जितने कर्मचारी, इसी तरह से स्वच्छ रखें हमारे भागलपुर शहर को और ग्रीन रखें, क्लीन रखें। बिहार शरीफ मुख्यालय के नगर थाना क्षेत्र इलाके के पहाड़पुरा मोहल्ले में ईद के दिन हुए ब्लास्ट के मामले में स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रशासन के द्वारा 2 लोगों को जख्मी होने की बात कही जा रही है। वहीं इस ब्लास्ट के मामले में जख्मी मोहम्मद आदिल और पुलिस के द्वारा बड़ी दरगाह नया टोला से आवाज़ हुआ था। मैंने किस तरह का आवाज़ था? नॉर्मल था या ज़्यादा तेज़ आवाज़ था? कड़ाके की तरह आवाज़ था। ओ
उसी में आप जल गए, और लोग को भी चोट लगा है? तो मैं हूँ सर। अच्छा, कहाँ पर ये हुआ था? बारपुरा मोड़ पे। रास्ते किनारे थे, रोड पर हैं, गिर गए, नाला में, नाला में ये स्ट्रीट दिया गया। अच्छा, आपके आप जब ट्रीटमेंट किया था तो आपको क्या लगा? नहीं नहीं, ये ट्रीटमेंट तो हम लोग अभी जो हमने पास हिस्ट्री है बस उसी पर हम इलाज कर रहे हैं। मैं शरीर में कहीं बर्निंग का कोई निशान? काला निशान तो है, लेकिन कंफर्म हम कह नहीं सकते, जो ऑन द स्पॉट जो है वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ही कुछ कंफर्म कुछ कर पाए। कहा जा सकता है ना सर? खबर भागलपुर से, जहां सुल्तानगंज के अज गैवीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा घाट में अक्षय तृतीया को लेकर गंगा स्नान धाम के उत्तर वाहिनी गंगा घाट में बिहार झारखंड के शिव भक्त गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। व्रत भी रखा जाता है इसमें, और एक ये होता है कि इसमें कुछ सोना चांदी लेना चाहिए पति से। हाँ। नाम बता दें आपका? बिल्लू देवी। कहाँ से आई हैं? अरे ये दिन अक्षय तृतीया भी ऐसा शुभ दिन है जो कि ये दिन सोना चांदी गहने मतलब इस तरह का ली धातु लिया जाता है, पत्नी को देते हैं, पति को लेके उन्हें पत्नी दिया जाता है। नाम सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ, अजय कुमार ठाकुर। कहाँ से? देवघर। ब्राह्मणों को दान करना पड़ता है और ये महिला के लिए बहुत शुभ पर्व होता है, इससे जितना भी क्लेश है घर का रोग व्याध सब समाप्त होता है और घर में वृद्धि होता है, संतान की प्राप्ति होती है, धन वंश में वृद्धि होती है। और दान पुण्य का क्या ये महत्व है जो जो पति जो है अपने पत्नी को जो है आज सोना चांदी का दान का जो महत्व है उसका क्या? हाँ, पति जो है अपने पत्नी के लिए कुछ गहना जेवर आज दान करने का दिन है। बाढ़ के मुकामा में चल रहे 8 दिवसीय भगवान परशुराम महोत्सव में भाग लेने बेलूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई के कई श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा है, और इस दौरान जुलूस में महिलाओं की भागीदारी देखने लायक रही। वहीं श्रद्धालु खुशबू मिश्रा ने कहा कि जैसे महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, उसी तरह धर्म को संभालने के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। फिलहाल बिहार की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष